हेलो पुलिस स्टेशन कैसे? अरे मैं थारे से इतनी घनी इम्पोर्टेंस बात करने आई हूँ तो मन्ने अवॉइड कर रहा। हम आपको अवॉइड नहीं, अपने आप को गाइड कर रहे हैं। हमें पता है कि आपकी इम्पोर्टेंट बातें क्या होती हैं। हमसे शादी कर लो, हमें छेड़ दो, हमें पप्पी दे दो। देखिए मिस्टर डाला, हम इस वक्त इतने बिजी हैं कि हम खुद की शादी में जाकर मूली के परौंठे और गाय का दूध नहीं पी सकते हैं, तो प्लीज गो। अरे तुम्हारी बात तो सुन ले। हमें आपकी ना तो कोई बात सुननी है ना तो कोई सुनानी है। अरे आपने क्या हमें सपन संदूरी चूरन समझ रखा है कि रोज खाना खाने के बाद मुंह में फाक लेंगी? अरे बात घनी सिंपल से मक्खन सिंह, देख बात है यो नो यो प्लीज गो। देखिए मिस्टर डाला, आप हमारा यहाँ पर कीमती वक्त पर बात कर रही हैं। अरे वहाँ पे बाहर एक सुंदर लड़की छिड़ रही होगी और वो भी हमारे बिना। मेरा मतलब है कि बाहर वहाँ पे एक लड़की छिड़ रही होगी और उसे पुलिस की जरूरत होगी। ओहो, ना दूसरों की जरूरत की बड़ी इम्पोर्टेंस है और हमारी जरूरत ना जामुन का पेड़ से जिसकी कोई वैल्यू ना है। सुन, आज मौसम घना बेईमान से है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि तू और मैं और तू ना घूमने कर चले, क्योंकि टुडे माय मूड इज वेरी गुड। I do not care about your mood. इस वक्त हमारे सर पर 500 कन्याएं सवार हैं। Hi. मेरा मतलब है कि इस वक्त हमारे सर पर 500 काम सवार हैं। और वैसे भी मिस चौटाला, रूठिए मत, देखिए अगर हमारे पास इतना सा भी वक्त होता तो हम आपको थाने के बाहर की चाट की पकौड़ी खिला देते। Don't worry, please go. Go. I am very busy. I am very busy. Hello, police station. Are you still there? अरे फोन तो आया कोई ना है। Vibration पे है भाई। Your landline. जी, देखिए हिल रहा है। हेलो, हाँ जान कैसी हो? हेलो हेलो, बैलेंस नहीं है, आउटगोइंग बंद है। जला 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 जला। काफी छेड़ते हैं इनको, मजा आता है। सब बहाने हैं मैडम। सर कोई बिजी बिजी नहीं है। अरे मैडम सारा दिन यहाँ पर हवा हवाई बनकर घूमते रहते हैं और कहते हैं मैं बिजी हूँ, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। मैडम ऐसे आदमी को तो पंखे से उल्टा लटका कर एसी ऑन करके। हाँ जी जी मम्मी जी, डैडी जी को आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। भाई मक्खन सिंह बीच जी होगा ना, तभी तो ऐसा कह रहा है। सही है, अच्छा है मैडम। अच्छा है कि आप कोई बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर नहीं है, वरना किसी बड़े स्टार के साथ आप कभी काम नहीं कर पाती। मैडम एक बड़ा स्टार जो होता है वो बहुत बिजी होता है, वो शूटिंग करे, रात को पार्टी पे जाए, रिबिन काटे, ये करे कि वो करे। अब ऐसे स्टार के साथ जब आपको काम करना होता है तो फिल्म प्रोड्यूसर क्या करता है मैडम, उसे आउटडोर पर ले जाता है। आउटडोर पर और कोई काम तो होता नहीं है, तो जबरदस्ती उस फिल्म स्टार को उस प्रोड्यूसर के लिए ही काम करना पड़ता है। वो जाए तो जाए कहां। इसी तरीके से मैडम आप सर को भी लेके कहीं आउटडोर पर चले जाइए, वहां पर कोई पुलिस पुलिस का काम तो होगा नहीं, सर सारा वक्त आपके साथ रहेंगे और आप दोनों साथ में। अरे मेरी खुद की बीवी जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत बिजी थी, हनीमून के लिए भी टाइम नहीं था उसके पास। तो हमने क्या किया, राजू टू राजू ट्रैवल्स को फोन किया और टिम्बक टू की 2 टिकट बुक करवा दी मैंने। और टिम्बक टू जो गए हम दोनों मैडम, वो कब कपाती रातें, सनसनाते दिन। ना घना डिस्क्रिप्टिव होने की कोई जरूरत ना है, बच्ची सामने खड़ी है और मन्ने कोई इंटरेस्ट ना है। मैडम मैं राजू टू राजू ट्रैवल्स को फोन करता हूँ, आपके जाने आने रहने खाने पीने की सारी बुकिंग कर देता हूँ, उसके बाद यू एंजॉय। साउंड्स इंटरेस्टिंग। पर यो जो राजू टू राजू ट्रैवल्स है ना, इसकी रेपुटेशन रिकॉर्ड सब चेक कराए। अरे मैडम क्या रेपुटेशन है, क्या रिकॉर्ड है मैडम, अरे आज तक एक FIR नहीं लिखी किसी ने उनके खिलाफ, एकदम क्लीन चिट है उनकी। गुड गुड। एक्सक्यूज मी, आओ जी, क्या है जी? मेरा नाम झुमरू झिंगरन है सन्नाटे में। ओहो, ना तो भीड़ में होता तो के कर लेता। वो मुझे राजू टू राजू ट्रेवल्स के खिलाफ FIR लिखवानी है। क्या हो गया? वो क्या है कि मेरी बीवी को मुझसे शिकायत थी कि मैं उसे कहीं घुमाने नहीं ले गया हूँ, इसलिए मैंने राजू टू राजू ट्रेवल से चंदलापुर की 2 टिकट्स और होटल की बुकिंग करवाई थी, लेकिन मुझे 3 रात अपनी बीवी के साथ रोड पर गुजारनी पड़ी।
ओह, तो तुम्हें इस बात की एफआईआर लिखवानी है कि तुम्हें रात अपनी बीवी के साथ गुजारनी पड़ी। नहीं, रोड पर गुजारनी पड़ी। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने उल्टा मुझे कसूरवार ठहरा दिया। किससे? अपनी बीवी से पूछा? नहीं, राजू टू राजू ट्रेवल से। तुमने रात किसके साथ गुजारी, राजू टू राजू के साथ या अपनी बीवी के साथ? अपनी बीवी के साथ। अरे यार, तो फिर राजू टू राजू तुम्हें कसूरवार क्यों ठहरा रहा है? बस बस, अब रहने दो, उस बेचारे को कुछ कहने तो दो। गुड, वेरी गुड। ओ, ना घना टाइम पास ना कर, हमारे पास और भी काम हो रहे हैं, ना खुल के बोल, वरना मैं डंडा, रैप्टर, गोली तीनों मुंह में ठोस दूंगी। हाँ, राजू टू राजू ट्रेवल्स ने मुझसे पूछा कि चंदलापुर कितने दिन रहना, तो मैंने उसे कह दिया 3 दिन रहना। उसने सिर्फ 3 दिन की बुकिंग करी, 3 रात की नहीं। जब मैंने उससे दोबारा पूछा तो उसने कहा, तुमने दिन की ही कहा था, रात की क्यों नहीं कही तुमने? 3 रात मुझे बाहर रोड पर अपनी बीवी के साथ गुजारनी पड़ी। और मेरी बीवी जो कि शक्की है, उसे शक है कि मैंने जानबूझ करके ऐसा किया, मेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है और मेरा रात किसी और के साथ गुजारने का प्रोग्राम था सन्नाटे में। ओहो भाई, यो तो डे नाइट केस दिखे मने, बट नॉट टेंशन। नहीं, जो तू थाने में आ गया है तो हम सॉल्व भी कर देंगे। बालको इधर के लाओ सारे राजू टू राजू ट्रैवल वाले। मैडम, ये है मेरा भाई राजू। और मैडम, ये है मेरा भाई राजू। है राजू? हाँ राजू। और यो से बंदूक, और यो से 2 गोलियां। ईब जल्दी से बता, 2 मीटर के हो रहा है, वरना खाली कर दूंगी बंदूक ईब। मैडम, इसमें गलती हमारी नहीं, गलती उस झिमरू झिगरन की है। है राजू? हाँ राजू। मैडम, हमने उससे पूछा कितने दिन रुकोगे, उसने कहा 3 दिन। है राजू? हाँ राजू। तो मैडम, हमने उसे 3 दिन की बुकिंग दे दी, अब रात की तो उसने बात ही नहीं की थी। है राजू? हाँ राजू। जी ओए, अब भी बक्ता सोच लो, वरना मम्मी जी जब तक सुबह 2 लोगों की खोपड़ी ना खोल दें, इनको नाश्ते में मजा नहीं आता। है राजू? हाँ राजू। मैडम, अब गोली मत चलाइएगा। हाँ तो मैडम से अपनी जबान चला दो ना, मतलब मैडम से सब कुछ सच सच बोल दो यार। मैडम देखिए, सीजन का टाइम है, हम झुमरू झिगरन जैसे बेवकूफों से ही पैसा कमा पाते हैं। है राजू? हाँ राजू। तो मैडम, हम क्या करते हैं, दिन की बुकिंग किसी और को दे देते हैं और रात की बुकिंग किसी और को दे देते हैं। लेकिन मैडम, आप जो है ना, इस केस को रफा दफा करवा दीजिए तो हम भी आपको रफा दफा, मेरा मतलब है कि हम आपको खुश कर देंगे। है राजू? हाँ राजू। मैडम, आपके लिए 1,00,000 रुपए और 1 स्विट्जरलैंड का टिकट विद होटल, 3 days 2 nights स्टे। है राजू? है राजू। मैडम, मौका अच्छा है, सर को लेके निकल जाइए। नहीं, समस्या विकट है, ये मैडम को दे रहा सिर्फ 1 ही टिकट है। ओहो, ना दिन के सिकंदर, रात के मुसाफिर, 1,00,000 और 1 टिकट कोई ना, 2 लाख और स्विट्जरलैंड की 2 टिकटें, एक हाँ राजू की तरफ से और दूसरा है राजू की तरफ से। क्लियर? है राजू? हाँ राजू। आप इस बैंड के साथ क्या कर रही हैं? मकर सिंह, या तो ईब तुम्हारे साथ घूमने जाएगा या तो यो बेल्ट चले। मिश्राला, आज आप एक बहुत ही फनी मूड में हैं, जरा बेल्ट का साइड में रखिए ना। मकर सिंह, या तो तुम्हारे साथ घूमने जाएगा या तो यो बंदूक चलेगी। मिस्टर ताला, देखिए, आज आप एक बहुत ही फनी मूड में हैं। अब देखिए, आंखें तो नहीं है ना बंदूक के पास, अब इसको कैसे पता कि इसके सामने कौन सा पर्सन खड़ा है? यू सी, आई एम अ वेरी डियर पर्सन टू यू, तो बंदूक साइड में। अरे चुप, तू मन नहीं हो बता, तुम्हारे साथ घूमने चलेगा। अरे जाइए जाइए, बढ़िया ही घूमने घमाने वाली। अरे मक्कर सिंह, ईब या तो तुम्हारे साथ घूमने जाएगा या तो थारी जान जाएगी। चल जाके ये पैकिंग कर, और सुन, कुछ ऊनी कपड़े रख लियो, हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। क्या स्विट्जरलैंड? ठीक है, आपकी भावनाओं की कदर करते हुए हम स्विट्जरलैंड जाने को तैयार हैं। अरे स्विट्जरलैंड में वो गोरी गोरी मेमे हैं, हम गोरी मेमो को ताड़ेंगे। मेरा मतलब है कि गोरी मेमो को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, शाइन्स ऑफ गोरापन। देखिए, हम अगर चलेंगे और घूमेंगे तो हम चलेंगे सिर्फ इंडियन रावण प्योर ब्यूटी के साथ, जो कि आप हैं। अब वैसे देखिए, वक्त बर्बाद मत करें, हमें जाने दें मार्केट, क्योंकि हम मार्केट में जाके नए नए कपड़े एंड कच्चे खरीदेंगे स्पेशली फॉर स्विट्जरलैंड।
हाय हाय, देखती हूँ मक्खन सिंह तुम्हारे हाथ से न कैसे बचता है।